से हो चुका है। आप हजरात जहां कहीं भी तशरीफ रखते हो, अपने आप को अस्करी हाल में पहुंचाने की ज़हमत करें। हज़्ब दस्तूर चार मिसरे कि तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए, तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए, और उसी के नाम से करता हूं इब्तदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए, उसी के नाम से करता हूं इब्तदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। आइए बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूं सोस खान जनाब मजहबुल अब्बास साहब से की दुआएं और सोस खानी के फराइज को अंजाम दें कि इस्तकबाल के लिए आवाज बुलंद नारायण सलवा।
हर दिन
I'm not the
बाबा से बोलो नारे सलवार। एक और बोलन तनी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक सोस खान के ज़रिए सोस खानी के ज़रिए से हो चुका है। आज के इस बुरे दौर में बस सिर्फ एक मतलब पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद शायर आपके हवाले। सिर्फ एक मतलब, आज के इस बुरे दौर में हमारा हाल यह है कि आज़ादारी की मुखालफत इतनी ज़्यादा उरूज पर है। इस बुरे दौर में हमें चाहिए कि हम, याद रखिएगा, आज के इस बुरे दौर में अगर हमने अपना अकीदा बचा लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमाल की मंजिल है। क्यों? इसलिए कि इस बुरे दौर हमारे ही दरमियान से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज़ा खान जो मजलिस अज़ा की मुखालफत कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस बुरे माहौल में अपने अकीदे को बचा लें। आज जहां भी देखिए 1400 साल से बस सिर्फ एक ही आवाज बुलंद होती चली आ रही है कि अबू तालिब काफिर थे, अली के बाप ने तो कलमा अभी नहीं पढ़ा था, अली के बाप, सिर्फ एक मतलब पढ़ना चाह रहा हूं, अली के बाप ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा, अली के बाप ने तो कलमा ही पढ़ा ही पढ़ा। आए दुनिया वालों, दुनिया यही कहती है कि अली का बाप तो काफिर था, अली का बाप तो काफिर था, अली का बाप तो काफिर था। अरे दुनिया वालों, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे बाप तक पहुंचे, लेकिन हम अली वालों की कुछ मजबूरियां हैं, हम अली वालों की कुछ मजबूरियां हैं। पहले तारीख से साबित कहो कौन किसका बाप है। हम अली वालों की भी कुछ मजबूरियां हैं, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे बाप तक पहुंचे, लेकिन पहले तारीख से साबित तो ये हो कि कौन किसका बाप है। एक मतलब सिर्फ शायर आपके हवाले। मोहसिने इस्लाम के ईमा पे लड़ना छोड़ दो, मोहसिने इस्लाम के ईमा पे लड़ना छोड़ दो, मोहसिने इस्लाम के ईमा पे लड़ना छोड़ दो, अनगिनत बापों की औलादों को लड़ना छोड़ दो, मोहसिने इस्लाम के ईमा पे लड़ना छोड़ दो, अनगिनत बापों की औलादों अकलना छोड़ दो। आइए मैं इसी मतले के साथ एडवोकेट जनाब आउन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और पेशखानी की फराइज को अंजाम दें। इनके इस्तकबार के लिए बाबा से बुलंद नारा है सलवा। एक मतलब और तीन चार शेर हाजिर सैयद सज्जाद के हवाले से मुलाजा फरमाए कि जुल्म के तूफान से किस तरह लड़ना चाहिए, जुल्म के तूफान से किस तरह लड़ना चाहिए। सलवात में अफरत एक और सलवात कि जुल्म के तूफान से किस तरह लड़ना चाहिए, जुल्म के तूफान से किस तरह लड़ना चाहिए, हौसला सज्जाद से हमको भी लेना चाहिए, हौसला सज्जाद से हमको भी लेना चाहिए। ओ कसर बातिल में जो कर दे खुद ही बन पाए इंकलाब, कसर बातिल में जो कर दे खुद ही बन पाए इंकलाब, सैयद सज्जा
सर को झुकाना चाहिए, बस खुदा के सामने सर को झुकाना चाहिए। और आसमान वालों की नजरों में ये सजदों के निशान, आसमान वालों की नजरों में ये सजदों के निशान, आसमान वालों की नजरों में ये सजदों के निशान। फर्श पे तारों के जैसा जगमगाना चाहिए, फर्श पे तारों के जैसा जगमगाना चाहिए। और ये शेर हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए हाजिर कर रहा हूँ मुलाजफ हुमायूं कि जुल्म का तख्ता पलटने के लिए एक बार फिर, जुल्म का तख्ता पलटने के लिए एक बार फिर, जुल्म का तख्ता पलटने के लिए एक बार फिर। हुज्जत आखिर का हम सबको जमाना चाहिए, हुज्जत आखिर का हम सबको जमाना चाहिए। और हर हुसैनी के लिए है औन का ये मशवरा, हर बाबा से बोला नारे सलवात। चूंकि वक्त भी ज्यादा हो गया है, सिर्फ दो तीन शेर उसके बाद कबला कबाब के हवाले देखेंगे कि करबला वालों के दीवाने चले आते हैं, करबला वालों के दीवाने चले आते हैं, करबला वालों के दीवाने चले आते हैं। मादरे शहे की दुआ पा चले आते हैं, मादरे शहे की दुआ पाने चले आते हैं। और फर्श मजले आजादार को हैरत से न देख, फर्श मजले से न दे, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं, शम्मा जलती है तो परवाने चले आते हैं। बाबा से बोलो नारे सलवात। फातिमा जहरा ये तेरी तरबियत की शान है, फातिमा जहरा ये तेरी तरबियत की शान है। बच्चा बच्चा तेरे घर का बोले
शान है बाप से पहचान हर बेटी की होती है मगर बाप से पहचान हर बेटी की होती है मगर अरे तू वो बेटी है जो अपने बाप की पहचान है फातिमा जहरा ये तेरी तरबियत की शान है नारे सलवात एक मतलब दो शेर किबला के आपके हवाले कि मिंबर पर भी कुछ ऐसे आने लगे जाकिर बड़ी तवज्जो चाहता हूं मिंबर पर कुछ ऐसे भी आने लगे जाकिर शियों को भी आपस में लड़ाने लगे जाकिर मिंबर पर कुछ ऐसे भी आने लगे जाकिर शियों को भी आपस में लड़ाने लगे जाकिर मजलिस को नमाजों से बढ़ाने लगे जाकिर मर्जा को निशाने पे बनाने लगे जाकिर शियों को ही आपस में लड़ाने लगे जाकिर मजलिस को नमाजों से बढ़ाने लगे जाकिर मर्जा को निशाने पे बनाने लगे जाकिर और ये बात जमाने में यूं आम करा दो जो ऐसा बना दे उसे मिंबर से हटा दो जो ऐसा बना दे उसे मिंबर से हटा दो आइए मैं बड़े अदब एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ हुज्जत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद ज़मीर हैदर साहब से की वहाँ और अपने बयान को मोमिनीन के अज़ान तक मुंतकिल फरमाए इनके इस्तकबाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال السجاد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بالسبع صلوات على محمد وآله
इब्तदाई कलाम में आप हज़रात से इल्तिमास है सूरह हम्द और सूरह इख़लास तिलावत फरमाकर सैयद हसन, सगीर हसन, मंजूर हसन और जनाब महमूदुल हसन साहब सोस खान उनकी अरवाह के साथ सलावात पढ़ते मोहम्मद वाल। इस हमसे की दूसरी मजलिस और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है जहाँ से कल बात की इब्तिदा की थी। दरबार यजीद है, इमाम ने उन लकड़ियों के ढेर पे जाने के बाद जो खुतबा दिया इब्तदाई खुतबे में आपने इरशाद फरमाया है लोगों, परवरदगार ने हमें छह चीज़ें अदा की हैं और सात फजीलतें दी, और जो तरीक़ा इमाम ने अख्तियार किया है ये तरीक़ा बिल्कुल जुदा है कूफे के तरीक़े से। शाहज़ादी ज़ैनब और इमाम सज्जाद के जो कूफे के खुतबात हैं और जो शाम के खुतबात हैं, दोनों खुतबात में एक बुनियादी फ़र्क यह है कि कूफे में अपने आप को पहचानवाया नहीं, इसलिए कि कूफे के लोग जानते थे कि ये हैं कौन। कूफे में अक्सरियत जानती है किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, किस शजरे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए वहाँ अपने आप को जनाब ज़ैनब ने भी नहीं पहचानवाया। जब जनाब उम्म कुलसूम ने वहाँ पे कूफियों को रोते हुए देखा और कहा है क्यों रो रहे हो, तो जनाब ज़ैनब पे इसके बाद जो खुतबा हुआ था जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं, अब इन्हें रोने दो, इनके किस्मत ही में रोना लिखा है, इसलिए कि तुमने दगा किया कि तुम हंसो कम रो ज़्यादा, इसलिए कि तुमने अपना सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। तुमने जो काम किया था इतनी मेहनतों से, जितनी आलम उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम है सबसे खिताब था शाहज़ादी ज़ैनब का, तुमने अपने सब किए कराए पे पानी फेर दिया, तुमने कितनी मेहनतें बर्दाश्त की, तुम फाकों से रहे, तुम भूखे रहे, इब्तदाए इस्लाम में तुमने पेट पे पत्थर बांधा, इब्तदाए इस्लाम में तुमको मुशरिकीन ने घेरा, तुमने ताजियाने खाए, तुमने ज़हमत बर्दाश्त की, तुमने लोगों के ताने सुने, इतने सब बर्दाश्त करने के बाद ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा, तुम मुसलमान बने, लेकिन तुमने कत्ल हुसैन करके सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने हुसैन के खिलाफ जाके सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसीलिए शाहज़ादी ज़ैनब ने मिसाल भी दी थी कूफियों को कि इनमा मसलको, तुम्हारी मिसाल तो उस औरत जैसी है जिसने बड़ी मेहनत से लिबास तैयार किया था और जब वो लिबास तैयार हो गया तो बाल्टी उसे खोल के फिर उलझा के फेंक दिया, इतनी मेहनत के बाद जो लिबास तैयार किया था बड़े आराम से तुमने उलझा के फेंक दिया, बड़े आराम से तुमने खराब कर दिया, तुम रो तुम गिरिया करो कुछ नहीं पहचानवाया है, लेकिन जब अपने आप पहचानवाया, जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता मैं उसे बताता हूं मेरा हसब है, मैं उसे बताता हूं मेरा नसब क्या है। और इसके बाद इमाम ने अपनी सारी सिफात को बयान करना शुरू किया आगे की मजलिसों में, इंशाल्लाह शायद आखिरी मजलिस में उस बात तक पहुंचूंगा कि इमाम ने कैसे अपने आप को पहचानवाया है। लेकिन जो इमाम इब्तिदा कर रहे हैं, इमाम ने कहा हमें अल्लाह ने छह चीजें अता की हैं, जो हमें छह चीजें अता की सामने वाले से इमाम इसीलिए बयान कर रहे हैं हमें अता की हैं तुम्हें अता नहीं की। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है तुम्हारे यहाँ जहालत है, हमें नूर दिया है तुम्हारे यहाँ तारीकी है। इल्म नूर होता है जब परवरदिगार
को हमारे खानदान में रखा, इसका मतलब यह है कि बनी उमैया जाहिल कौम है, बनी उमैया जुल्मत वाली कौम है। लेकिन इमाम ने इल्म पे गुफ्तगू को खत्म नहीं किया। परवरदिगार ने छह चीजें अता की हैं, अल-इल्म वल-इल्म किया, इल्म भी हमें दिया है, हिल्म भी हमें दिया है। इल्म के मुताल्लिक तो बराबर मजलिस से हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन आज चाहता यह हूं कि हिल्म के मुताल्लिक गुफ्तगू की जाए। आखिर हिल्म क्या शय है? बराबर आपने मजलिसों में सुना होगा, हिल्म बनो, हलीम बनो, गुर्दबार बनो। लेकिन यह हलीम होना क्या होता है, यह गुर्दबार होना क्या होता है, यह सब का मादा क्या होता है, हमने जाना ही नहीं। हम इल्म को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन हलीम किसे कहते हैं? अगर हमसे कहा जाए हलीम तो हमारा जहन कहीं और चला जाता है। हलीम यानी कोई खाने की चीज, हलीम यानी कोई मजेदार चीज, हलीम यानी जिसे अपने जबान में खिचड़ा कह दिया जाए। लेकिन जब कुरान कहता है, कुरान इस हलीम को और इस हिल्म को इतना बड़ा बयान कर रहा है, जब बयान करता है देखो अल्लाह अलीम हलीम, तुम्हारा परवरदिगार अलीम भी है, तुम्हारा परवरदिगार हलीम भी है। इसका मतलब है कि जितनी बड़ी फजीलत यह इल्म रखना है, उतनी बड़ी फजीलत इस इल्म को भी रखना है। और इसीलिए रिवायतों के जो जुमलात हैं कि आलिम तब तक आलिम बन ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर इल्म ना आए। ऐ मासूमीन बता तो दीजिए इल्म किसे कहते हैं, बता तो दीजिए यह हलीम होता कौन है। मासूमीन आवाज देंगे, हलीम को अगर देखना है तो जाओ फिर हमारी जिंदगी की तरफ आओ, हम बताएंगे हलीम किसे कहा जाता है, हम बताएंगे किसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त है, हम बताएंगे मुसीबत के वक्त भी कौन अपने ऊपर कंट्रोल करता है। इल्म कहते हैं सारी जानकारी रखने को, हिल्म कहते हैं अंदर के नफ्स पे कंट्रोल करने को। नफ्स ये कहे इससे इंतकाम ले लो, लेकिन परवरदिगार कह रहा है इसे छोड़ दो। नफ्स ये कहे इसके खिलाफ चले जाओ, अल्लाह कह रहा है इसे माफ कर दो। नफ्स ये कहे हम भी इंतकाम लेंगे, हम भी बदला लेंगे, परवरदिगार कह रहा है छोड़ दो। नफ्स अली कहता था इसके सीने पे हो, अगर इसने थूका है इसे कत्ल कर दो। लेकिन विलायत परवरदिगार ये कह रही है अगर इसने जसारत की है तो अभी माफ कर दो, अपने नफ्स को शामिल न होने दो। एक सलावात तो दे मोहम्मद वाल मोहम्मद। हमारे इसी हिल्म की तो मुश्किल है, हमारे इसी हलीम होने में तो प्रॉब्लम है, तो नहीं है। अच्छा उन्होंने ये काम किया है, ठीक है, वो भी क्या याद रखेंगे हम क्या चीज हैं, हम बदला लेके दिखाएंगे, हम इंतकाम लेके दिखाएंगे। तुमने ये काम किया है ना, अब काम तो बहुत से हैं, मैं कोई काम बयान करूंगा लोग कहेंगे मेरे लिए पढ़ दिया। मैं तुमने गलत काम किया ना, हम भी तुम्हारे गलत काम का जवाब गलत काम से देंगे। तुमने ये काम किया हमारे खिलाफ साजिश की, हम भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। परवरदिगार कह रहा है अल्लाह अलीम भी है, अल्लाह हलीम भी है। आलिम तब तक आलिम हो ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त और कुव्वत सब्र ना हो। आलिम तब तक आलिम हो ही नहीं सकता, अल्लाह दोनों चीजों को एक साथ बयान कर रहा। इमाम सज्जाद ने भी इल्म के बाद का हिम हमारे अंदर रखा है। ए यजीद हमने न जाने कितने मौके पर सब का मुजाहरा किया, हमें कमजोर हरगिज न समझना, हमें मजबूर हरगिज न समझना। इसलिए कि हलीम वो नहीं होता जो कमजोर होने के बाद करते, हलीम उसे कहा जाता है कि अगर दुश्मन के भी हाथ बांध के लाए जाए, अली कहे इतने मस्जिद की रस्सियां खोल दो, क्या देखते नहीं हो कैसे डरा हुआ है। कोई है अपने कातिल को दूध पिलाने वाला, कोई है अपने कातिल को सैराब करने वाला। अली आवाज दे रहे हैं, अली के इल्म पे नारे लगाने वाले पढ़ लिख के आलिम तो बहुत से बन सकते हैं, लेकिन आलिम वही होता है जो हलीम के साथ हलीम भी हो, जो इल्म के साथ इल्म भी रखता हो। इमाम सज्जाद कह रहे हैं यजीद जितना हमारे पास इल्म है उतना ही हमारे पास इल्म है। फिर इमाम ने क्यों ने जुमला कहा, इमाम ने जनाब ज़ैनब के जुमले की तफसीर की है, कहा यजीद तुम नहीं जानते ना हमारे पास हिम इतना था कि जब फतह मक्का पे तुम्हारे दादा हमारे पास आए थे ना, हम उनकी गर्दन भी मार सकते थे, लेकिन हमने उन्हें आजाद करके बताया है। हलीम हम थे लेकिन तुमने हमें रसलों में पकड़ के बताया है। बनी उमैया अलग है, बनी हाशिम अलग है। अपना तो
मुलाकात जनाब ज़ैनब ने कहा था, ए आजाद करदा के बेटे यजीद, तू मेरा सामना कर रहा है, हमने तुम्हें पहले आजाद किया हुआ है, तुम हमें हाथों में रस्सियों में जकड़ के सोच रहे हो और बड़े हो गए ना, नहीं परवरदिगार ने हित हमें अता किया है, तुम्हें अता नहीं किया, तुम्हारे यहाँ तो बदला लेने वाली बात है, कैसे बदला ले रहे, इसलिए तो तुम कह रहे थे सर इमाम हुसैन पे छुरी मार के कि काश के मेरे अजदाद बद्र वाले आके देते, कैसे हमने इंतकाम लिया है, ये तुम्हारी सीरत और तुम्हारा किरदार था, हमारा किरदार तो वो है कि अगर तुम हमारे लिए पानी बंद करते हो, हम फरात पर कब्जा करते हैं तो हम सबके लिए पानी खोल देते हैं, हम सब के लिए पानी खोल देते हैं, हमारे यहाँ ये इसी किरदार की कमी है, हम ये सोचते हैं कि सामने वाले ने जो किया है ईंट का जवाब पत्थर से दो, सही है बिल्कुल सही, इस्लाम यही कहता है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, लेकिन ये पत्थर वो पत्थर नहीं होता जिसे हम समझते हैं, कुरान कह रहा है वैसा खातब हम जाहिलून अकालु सलामा, जब जाहिल लोग आके तुम्हें परेशान करें तो उनके मुंह पे तमाचा लगाओ सलाम के जरिए से, गालियों का जवाब गाली से न दो, फौसियात का जवाब फौसियात से न दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, क्या पत्थर है, तुम ये समझ रहे हो कि उसने एक गाली दी हम इजाद करके पांच नई नई गालियां दे देंगे, ये पत्थर नहीं है, पत्थर ये वही इजाफा तब मिल जाए कालू सलामा, जब जाहिल आके तुम्हें परेशान करे, जाहिल तुम्हारे ऊपर ताने करे, जाहिल तुम्हारे ऊपर टंटी करे, तुम उसके पास जाओ कहो सलाम अलैकुम, ईंट का जवाब इससे बेहतर पत्थर से नहीं हो सकता, शरीयत कह रही है अगर तुमने ऐसा जवाब दिया तो हलीम के साथ हलीम के भी नुमाइंदगी हो जाओगे, एक सलावत हो गए मोहम्मद वाल मोहम्मद, इमाम यजीद के दरबार में कह रहे हैं हिल्म है क्या, हिल्म हमसे हिल्म क्या है, हमारे यहाँ इंतजाम ऐसे नहीं लिया जाता, हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, लेकिन तुम्हारा वाला नहीं, हमारा पत्थर बिल्कुल अलग होता है, हमारा पत्थर बिल्कुल जुदा होता है, इमाम अली अपने एक गुलाम को बुला रहे, आवाज दिया गुलाम, नहीं सुना उसने, इमाम ने फिर कहा उसे जो भी नाम हो, नहीं सुना, तारीख है तो 70 बार इमाम ने बुलाया, पहले तो यही हिम्मत है कि 70 बार बुलाए, हम लोग होते तो ताजियाना लेके पहले ही से ठीक कर देते, एक दो बार में ही बिल्कुल बहरे हो गए, सुनाई नहीं पड़ता, 70 मरतबा इमाम अली ने बुलाया वो गुलाम नहीं आया, इमाम गए उसके पास, देखा आग भी खुली हुई है, देख भी रहा है हमारी तरफ, मुस्कुरा भी रहा है, जब मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक होती है वाली, मुस्कुरा भी रहा है, इमाम ने उससे सवाल किया ये बताओ क्या सुन नहीं रहे थे, कहा सुन तो रहे थे, आपने 70 बार बुलाया, इमाम ने कहा फिर आवाज क्यों नहीं दी, तो मैं चाहता था कि आप गुस्से में आ जाएं, मैं आपको गुस्सा दिलाना चाहता था, बहुत से समाज में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी कोशिशें करके गुस्सा दिलाना चाहते हैं, ये कहां से गुस्सा आ जाए, गुस्सा आ जाए, गुस्सा आ जाए ये भी आपके से बाहर हो जाए, लेकिन मौला आवाज दे रहे हैं अगर मेरे चाहने वाले हो तो ईंट का जवाब उस पत्थर से दो जो हम बताते, मौला कहते क्यों गुस्सा दिलाना चाहते, मौला बस ऐसे ही ताकि गुस्सा गजब आप पे गालिब आ जाए, मौला ने कहा तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते थे, मैं बदला तुमसे नहीं लूंगा, बदला उससे लूंगा जो तुम्हें उकसा रहा था, मैं बदला तुमसे नहीं लूंगा, बदला उससे लूंगा जो तुम्हें उकसा रहा था, कब होगा किससे बदला लेंगे, कहा अगर तुम्हें मारूंगा तो शैतान खुश होगा, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, इसलिए कि तुम मोहरे हो, तुम्हारे पीछे एक शैतान लगा हुआ है जो खिलाफ में बुलवाना चाहता है, मैं कर दूंगा चोट तुम पे न लगेगी, चोट हमें लगेगी, एक सलावत तो दे मोहम्मद वाल मोहम्मद, ईंट का जवाब पत्थर से, इससे बेहतर ईंट का जवाब पत्थर से, जैसे ही मौला ने कहा आजाद कर दिया, कदमों पे गिर गया, मौला आजाद हम ना होंगे, हम नहीं जाना चाहते मौला, हम आप ही के पास थे, मौला ने कहा नहीं तो हम आजाद कर देते हैं, जाओ, इसलिए कि हमारा इल्म के साथ हिल्म है, ये हमारी फजीलत है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और इसीलिए कहा गया है हर पढ़े लिखे के लिए और हलीम तरीन इंसान के लिए, लोग सोचे कौन वो है जो हलीम है, कौन वो है जिसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त है, कौन है जिसके अंदर ये मानता पाया जाता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं कि इन अहलम अन्नास मन फर्र अन जुहाल अन्नास,
सबसे बड़ा हलीम इंसान वो है जो जाहिलों से दूर भागे। सबसे बड़ा हलीम इंसान वो है जो जाहिलों से दूर भागे। इसलिए भी ये तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, ये तुम्हें परेशान करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि अली के चाहने वाले करार पाओ, इनसे दूर भागो। इनका जवाब तुम्हें पत्थर से देना है, लेकिन उस तरीके से जैसे शरीयत ने बताया, उस तरीके से जैसे मासूमीन ने बताया। इमाम सज्जाद कह रहे हैं, यकीन हिल्म हमें मिला है, हिल्म तुम्हें नहीं मिला। तुमने हमें रस्सियों में जकड़ा, हमें दरबार में ले आए, तुम कुर्सियों से भी नहीं उठे, तुमने हमारे लिए पूछा भी नहीं। भूखे हो, प्यासे हो, लिबास नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे अंदर शाहाना मिजाज आ गया, तुम्हारे अंदर गुरूर आ गया। लेकिन ए यजीद, इसी शाम में जब हम आए थे ना, दरवाजे दमिश्क में खड़े हुए थे, एक शामी आया था, बड़े तबाक और तबाक अंदाज में ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। आने के बाद उसने गालियां देना शुरू कर दिया, इमाम सज्जाद को उसने गालियां देना शुरू कर दिया, ऊपर से नीचे देख के। बागी गिरोह आया है, पता नहीं कहां चुप हो गया। इमाम ने उससे कहा कि भाई कोई परेशानी हो तो तुम्हारी परेशानी दूर कर दे, अगर प्रॉब्लम ना हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर दी जाए, अगर मुश्किलात में तुम्हारी मुश्किलात खत्म कर दी जाए। जो हर कड़ी बेड़ी में जकड़ा हुआ है वो आजाद से कह रहा है हम तुम्हारी परेशानी दूर कर सकते हैं। यानी सारी कायनात का जुमला इमाम बता रहे हैं, हमें मजबूर न समझना, ये मसलहत हम तय हैं, ये मसलहत हम हमार करिए और बेड़ी में हैं। हम अब भी अगर ये कुछ कहे ना तो इसकी जरूरत को पूरी कर सकते हैं, इसकी तमाम जरूरियात हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन इमाम ने उससे जब यह सवाल किया, अब वो परेशान हुआ, हमको गाली दे रहे थे, पर तो कुछ और है, पता नहीं कैसे इंसान में नहीं गई है। ईंट का जवाब पत्थर, ऐसा पत्थर हो जो इंसान के जिस्म पे चोट न करे उसके किरदार पे चोट करे, ऐसा पत्थर हो जो जिस्म पे चोट न करे किरदार पे चोट करे, जो रूह पे चोट न करे उसको बदले, उसके अंदर तहव्वुल इजाद करे। माला ने कहा, अच्छा ये बताओ, मैं जानता हूं तुम्हारी गलती नहीं, तुम ऐसे माहौल के परवरदा हो जहां बताया ही गया है कि नौजुबिल्ला अली और खानदान अली नौजुबिल्ला कुछ गलत ऐसे थे और वैसे थे, जो अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे अल्फाज मंसूख किए गए थे। तुम इस माहौल के परवरदा हो, लेकिन ये बताओ कि कुरान पढ़ा है, एक मतलब वो चौंका। हमें तो कहा गया है कि तुमको दैलम के कैदी लाए गए हैं, तुमको दैलम के कैदियों का कुरान से क्या रखता है। उसने कहा, आपसे कुरान से क्या मतलब है। इमाम ने कहा, हमसे मतलब ना होगा फिर किससे मतलब होगा, बताओ कुरान पढ़ाए कि नहीं। उसने कहा, हाँ कुरान तो पढ़ाए। कहा पढ़ाए, कहा हाँ हाफिज भी। कहा कुरान में कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा आयत पढ़ी है। क्या रसूल इससे कहते कि अजर रिसालत हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये कि हमारे कभी गौर नहीं किया। कहा बराबरदार हम हैं, हमारे अलावा कोई और। अब वो चौंका, ये आने वाले कुछ और है, इसका मतलब एक आयत इमाम ने पढ़ी, इमाम ने कहा आत जल कुर्बा हक कहू पढ़ा है, कराबत दारों को उनका हक दे दिया जाए। कहा हाँ पढ़ा है। कहा जानते कौन है। कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। मौला ने कहा हमें। फिर इमाम ने कहा वालम अन्नमा गनीतुम मिन शयइन फइन्नलिल्लाहि सुम्मा लिर्रसूल फज़िल कुर्बा। तुम जानते हो ज़िल कुर्बा कौन है। कहा मुझे नहीं मालूम है। कहा मैं ही हूँ ज़िल कुर्बा, हमारा खानदान ही है ज़िल कुर्बा। फिर इमाम ने चौथी आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तुमने पढ़ा है। कहा हाँ हमें हिफ्ज़ है। कहा जानते हो अहले बैत कौन है। कहा मौला हमें नहीं मालूम है अहले बैत है कौन। कहा हम ही अहले बैत है। कहा हे आका हे मौला बता दीजिए आप हैं कौन। कहा मैं अली इब्न हुसैन वही हुसैन जो ज़हरा का लाल था वही ज़हरा जो रसूल की इकलौती बेटी। कितनी आयतें पढ़ी इमाम ने, चार आयतें पढ़ी, फौरन कलमे पे गिर गया। मौला मुझे माफ कीजिएगा। इमाम आवाज दे रही, ईंट का जवाब पत्थर ये होता है कि सामने वाला आके कदमों पे गिर के माफी मांगने लगे। सन 17 हिजरी से लेके सन 61 हिजरी 44 साल हाकिम शाम मुआविया और यजीद की मेहनत एक तरफ, कैदी सैयद सज्जाद की चार आयतें एक तरफ, 44 साल तुम मेहनत करते रहो, चार आयतें हम इसे पलट देंगे। एक सलावात तो दे मोहम्मद वाले। अपने अंदर मौला अपनी फजीलतों को बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने हिम्मत के साथ हमें हिम्मत दिया है, हमारे पास कुल कायनात का
था, लेकिन इसके बावजूद भी कुव्वत बर्दाश्त ऐसी कि हमारे घर के लोग मारे जाते रहे। अगर हम हाथ उठा देते तो तुम सब फना हो जाते, अगर हम हाथ उठा देते दस्ते बद्दुआ बुलंद कर देते तुम सब खत्म हो जाते, लेकिन ये हमारी कुव्वत बर्दाश्त है। कहाँ तक हलीम था ये खानदान, एक रवायत बयान करूंगा, उमूमन कम पड़ी जाती है कि कहाँ तक ये हलीम है खानदान। करबला में जब इमाम हुसैन के पुश्त पर शिम्र सवार हुआ, खुद जुमेरात भी अपने अंदर मसाइब को समेटे हुए, कहा गुजरात जो पुश्त रसूल पर बैठने वाली हो एक नजराया पुश्त इमाम पर बैठा हुआ, कितना सख्त मरहला है, क्यों आया है, जिम करने के लिए ना, जो रिवायत के जुमले हैं जलसा आला सदर हुसैन वक्त आला ले हुए थे, इमाम हुसैन के सीने पर शिम्र बैठा, उसने इमाम हुसैन की दाढ़ी में हाथ लगाया, है कोई बर्दाश्त करने वाला ऐसे मरहले पे, है कोई फिर मतलब मलायरा करने वाला, दाढ़ी आगे तो जुमला लेकिन फजा हका या हुसैन वहां मान जब करो वो चाहेगा दशन की मान हुसैन कत्ल कर दे, फजाहतल हुसैन, हुसैन हंसने लगे, हुसैन हंसने लगे, यही जुमला फजाहतल हुसैन, यानी शिम्र सीने पे सवार है, दाढ़ी पे हाथ रखे हुए है, खंजर गर्दन पे रखे हुए, कत्ल करना चाह रहे, मौला हंस रहे हैं, मौला क्यों हंस रहे हैं, अरे नहीं हुसैन आवाज दे, जब मेरे घर का शिशमाहा और मौला के तीर का मुस्कुरा सकता है मैं तो उसका बाप, जब मेरे घर का चश्मा और बना के तीर को मुस्कुरा सकता है मैं, कई बार मैं मजलिसों में पड़ा, मौला ने कहा तुम्हारे घोड़े शमशीर की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे जरूरत का मौला नहीं आ सकते, अच्छा जो आदमी हमारी मदद नहीं करेगा हम चाहेंगे कि बच जाए जहन्नम में जाने से, नहीं चाहेंगे ना, लेकिन इल्म हुसैन देखें, कुव्वत बर्दाश्त हुसैन देखें, इमाम हुसैन ने कहा अगर हमारे साथ नहीं आ रहे हो तो इतनी दूर चले जाओ कि सदाए हल में नासिर यंसुरा तुम्हारे कान तक ना पहुंचे, वरना तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हुसैन अब भी इन्हें जहन्नम से बचा रहे। अम्र इब्न अब्दुल्लाह नशराती माला से मुलाकात, मौला ने कहा चलो गाड़ी बहुत साफ हमारे साथ है, घर पहुंचाने जा रहे हैं, हमारा घर लूट लिया जाएगा, मौला ने यही जुमला कहा ठीक है अगर मेरा साथ नहीं दे रहे तो इतनी दूर चले जाओ कि हल में नासिर यंसुरा की आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंचे वरना जहन्नमी हो जाओगे। हर समय इब्न सुलैम जिल मकातिल जगह का नाम है, कसरे बनी मकातिल जगह का नाम है, वहां पर मुलाकात हुई असमा बिन सुलैम से, मौला ने कहा हमारे साथ आओगे हमारे साथ या हमारे खिलाफ, कहा मौला ना आपके साथ है ना आपके खिलाफ, हम न्यूट्रल हैं हम अलग रहना चाहते हैं, मौला ने उनसे भी यही कहा ठीक है फिर इतनी दूर चले जाओ कि हमारी हलमी की आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंचे। भाई हम होते तो हम कहते नहीं अब तुम जहन्नम में जाओ, मौला कह रहे हैं अब भी तुम्हें जहन्नम से बचा रहे हैं, इसलिए अगर ये आवाज तुम्हारे कानों में पहुंच गई तुम सब जहन्नम हो जाओगे, जो अपना साथ न देने वालों को भी जहन्नम से बचाए वो और है हुसैन, और जो थोड़ी थोड़ी बातों पे इंतकाम और बदला लेने पर तैयार हो जाए तो हमारा किरदार है। फिर हम कहते हैं कि मौला आपके चाहने वाले हमारी जबान में वो तासीर नहीं, हमारे अमल में वो तासीर नहीं, हमारे वो तासीर नहीं, कहां से आएगी तासीर, इसलिए कि हमारी जबानों पर हुसैन है लेकिन हमारे अमल में हुसैन दिखाई नहीं पड़ता, हमारी जबानों पर करबला है हमारे अमल में करबला नजर नहीं आता, अगर हमारे अमल में करबला नजर आए तो हम अगर किसी को माफ करें वही नहीं सकता वो हमारे कदमों पर गिरा हुआ नजर न आए। एक और सलावत मौदे मोहम्मद वाल तीन सितन, हमें छह चीजें आता की अल्लाह ने, उसमें इल्म के बाद हिम्मत, हमें बर्दाश्त का मानता दिया। इमाम सज्जाद जी का रिश्तेदार है, रिश्तेदार की गुफ्तगू कर रहा हूं, बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार, सारे अफसाद के साथ इमाम बैठे हुए, आया और इमाम को खूब सुनाई उसने, बहुत देर तक सुनाता रहा, आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं फलाएं फलाएं फलाएं, सारी कमी आपके अंदर है, इमाम बैठे सुनते रहे, असाब उठना चाह रहे इमाम ने रोक दिया, मेरा रिश्तेदार है देख से ज्यादा चमचा न गर्म हो तुम बैठे रहो, मुश्किल होती है कि देख से ज्यादा चमचे गर्म होते हैं और उन्हीं चम्मच से देख गर्म हो जाता है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद, तुम बैठे रहो तुम्हें
कहा ना, उसने हमें कहा है, हमें कहा है, हम जवाब देंगे, बगैर जवाब नहीं छोड़ेंगे। मैं बात को जहां से लेके आई, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम भी, रुके रहो कल इसको जवाब देंगे, चले जाने दो। वो चला गया। अगले दिन माला ने सबको बुलाया, चलो जवाब देने चलते, आज उसे बताते हैं कि पत्थर से क्या होता है। मौला चले, रास्ते में जो तिलावत कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्काफिरीना वल्वैस वल्आफीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो गुस्से पे काबू रखते हैं। ईमान पढ़ते हुए जा रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो गुस्से पे काबू रखते हैं। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो सामने वाले को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो माफ़ करते हैं। और इसके बाद वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को दोष रखता है। वहां पहुंचे इमाम, इमाम ने उसके पास जाने के बाद, सारे असहाब हैं, जाने के बाद इमाम ने कहा ये इंतजार कर रहे हैं मौला बदला लेंगे। इमाम ने कहा ए मेरे भाई, तुमने जितनी बुराइयां मेरे अंदर बयान की हैं, अगर मेरे अंदर बुराई पाई जाती हो तो अल्लाह मुझे माफ करे, अगर नहीं पाई जाती तो अल्लाह तुम्हें माफ करे। यह हम सबका किरदार होना चाहिए कि अगर कोई बुराई करे हम जाकर उससे यही कहें ठीक है तुमने कहा है ना, अगर हमारे अंदर ये बुराई पाई जाती है अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह हमें माफ करे, लेकिन अगर नहीं पाई जाती तो इल्ज़ाम लगा रहे हो, अल्लाह तुम्हें माफ करे, हम तुम्हें माफ करेंगे। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को दोष रखता है। अल्लाह इसका सिला हमें देगा, अल्लाह इसका अज्र हमें देगा, इसलिए कि सारी कायनात में मिल के किसी को जलील करना चाहे जितना जलील करना चाहे कि परवरदिगार अल्लाह अज़ीज़ बनाता जाए, परवरदिगार इतना इज्जत देता जाएगा किसी के बस की बात नहीं है। और आप ही अपनी जिंदगी का मुशाहिदा कर लें, सारी कायनात के लोग आपके खिलाफ होते जाएंगे, जैसे जैसे खिलाफ होंगे वैसे वैसे इजाफा होगा। बस शर्त यह है कि जवाब न दो सब कुछ उसके ऊपर छोड़, शर्त यह है जवाब न दो सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। मैंने कई बार जुमे के खुतबे में इस रवायत को पढ़ा है कि जब कोई इंसान तुम्हें गाली देता है, तुम सामने से बैठे हुए हो ना, फरिश्ते अल्लाह दो फरिश्तों को भेजता है, जाओ ये उधर से गाली दे रहा है ना मेरे बंदे को, तुम जाओ उस पर लानतें भेजो, उसकी गाली इन पर पड़ेगी नहीं, फरिश्तों की लानतें पड़ती। लेकिन जैसे ही गाली का जवाब ये गाली से देने लगता है, फरिश्ते उठ के चल देते हैं कि भाई अब तुम ही नहीं पढ़ रहे हो तो हमारी जरूरत क्या, जाओ निपटो, तो उठ के चले जाते। वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इमाम सज्जाद की फजीलतें इमाम ने जो करबला के बाद जहां कुछ गिने चुने अफराद थे सब शहीद हो चुके थे, उसके बाद कहते सारी दुनिया मुर्तद हो गई कि तीन चार के अलावा जो इमाम अली की रवायत है ना रसूल के बाद की, इस बात में भी है कि करबला के बाद भी सब मुर्तद हो गए थे, तीन चार छोड़ के बाद में धीरे धीरे वो पलट के आए। इन तीन चार की तादाद से अगर इमाम बाकर और इमाम सादिक को किसी ने हजारों शागिर्द दिए हैं, ये कमाल इमाम सज्जाद है। एक दिन के अंदर माहौल नहीं बदला है, गुस्से से माहौल नहीं बदला जाता, बर्दाश्त से माहौल बदला जाता है। कहां कहां तक कुव्वत बर्दाश्त थी, करबला ने किस बर्दाश्त का मुजाहरा किया। बस अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा इसी दुआ और इसी गुजारिश के साथ कि मेरे हक में दुआ करें, मैं आपके हक में दुआ करूं। परवरदिगार व कुव्वत बर्दाश्त व कुव्वत सब्र दे जो हमारे इमाम के अंदर थी। हम अपने नामूस के साथ बाजार में जाते रहे, अगर धोखे से भी किसी की गाड़ी टच हो जाए नामूस से क्या आलम होगा, धोखे से भी अगर एक छींट उड़ के आ जाए हमारी नामूस पे क्या आलम होगा, जबकि हम कितना गयूर और गैरतमंद हैं। हमारा किरदार गैरत हमारी बस थोड़ी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा ठीक, हमारी सौजा खुद हमारी सौजा हो, हमारे घर की माँ बहनें हो हमारे साथ जा रही, फुल हिजाब में पूरे पर्दे में, अगर कोई गौर से देख ले कैसा महसूस होता है, जितनी ताकत होगी बदले कर लाएंगे ना उसके खिलाफ। हमारे घर की औरतें बापरदा रहे, कोई देख ले तो हमें बर्दाश्त ना हो, कोई थोड़ी देर निगाह उठा के देखे हमें बर्दाश्त ना हो, कभी बाजारे तूफान कभी दरबारे तूफान कभी बाजारे शाम कभी दरबारे शाम बड़ा दिन जा दे रहा है, ये कलम है ये उनके कुलसुम है, आओ तमाशाइयों तमाशा देखो, उस गैरतमंद मर्द से पूछो जिसे इमाम सज्जाद कहते कैसे बर्दाश्त किया होगा। इसीलिए जब कोई सवाल करता था ए मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहां पड़ी,
शहादत तो आपके घर की मीनार है, कितना रोएंगे, कितना गिरिया करेंगे। इमाम ने कहा हाँ सही कहा, शहादत हमारे घर की मीनार है, लेकिन क्या बंदों का क्या ये हमारे घर की मीनार। लेकिन मौलाना हिम्मत नाजिम है, और इसलिए तारीख कहती है कि जब शाम का मरहला आया, जनाबे शहम ने जनाबे अपने कुलसुम ने शिम को बुलाया, सरहाए शहादा को आगे आगे लेके चलो, ताकि लोग सरहाए शहादा को देखने में मशहूर हो जाए। हमारे खुले सरों की तरफ न देखे, हमारे चेहरों की तरफ न देखे। लेकिन शिम ने कहा अब मैं सरों को साथ में ही लेके चलूंगा। एक मतबा शहजादी शहम को चलाना गया, अभी जी आदमी को समझते हो, अभी मैं दस्ते पर दुआ बुलंद करती हूँ। लेकिन इधर शहम के हाथ सज्जाद करीब आए, ए मुबी सहनाब हमें इल्म का मजाहिरा करना है। जरा सरे हुसैन की तरफ देखिए, ए बाबा की आंखों से अश्रु जारी है। ज़ैनब दरबार में चली जाओ, आज तुम बेहजाब रहोगे, कल इस्लाम वापस ना हो जाएगा, कल इस्लाम को रजा मिल जाएगा। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضاً بقضائه وتسليماً لأمره بار الهام اس مختصر سے مجلس اعضاء کو قبول فرما، جہاں جہاں نشیان حیدر کرار کی جان مال اس دعا کی حفاظت فرما، ہمیں جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ہمیں راہ کربلا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے کردار میں کربلائی کردار پیدا کر دے، پروردگار ہمارے درمیان سے اختلافات کو اٹھا لے، پروردگار ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے والے ان کی اصلاح کر دے، پروردگار ہماری ماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال نامہ میں شمار فرما۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین محمود الحسن، منظور حسن، سید حسن اور صغیر حسن کے ارواح کی صحبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ، ¡Gracias!